एवरीबडी वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दिस इज गुरु कुमार, यू आर वॉचिंग अकबर लाइव। सो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपने जो फिश थे, इसमें जो पैड फिश आप देख सकते हैं, इसमें पैड फिश नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस पैड फिश को इस टाइम में डाल दिया, कैसे मैंने डाला, कैसे मैंने शिफ्टिंग किया, सारे प्रोसेस में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो तब तक के वीडियो जरूर टिल पूरे तक देखिए, क्योंकि बहुत लोग वीडियो क्या करते हैं, हाफ देख के वीडियो को हटा देते हैं। और मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था वीडियो में, फिर भी वो कमेंट कर पूछते हैं, भाई ऐसा मत करो, वीडियो पूरा देख लो, ज़्यादा आपको नॉलेज भी हो जाएगा, क्योंकि कम वीडियो देखने से नॉलेज बहुत ही अधूरा हो जाता है। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, और चाहे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपको जो वाटर यूज़ करना है वो आपका एक्वेरियम का ही पानी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप टैप वाटर में फिशेस को ऐड कर दें। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने फिशेस को एक्लिमेट कर सकूँ। बहुत लोगों के ये क्या करते हैं, नया टैप का वाटर लेके आएंगे, उसमें फिशेस को डाल देंगे, जिसके वजह से आपको फिशेस का शौक लगेगा और फिशेस आपके मर भी सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ इट्स टाइम टू कैच आवर फिशेज। तो मैं सबसे पहले अपने छोटे वाले पैरेट फिश को कैच कर रहा हूँ। तो ये फिश को कैच करने टाइम, पकड़ने टाइम को ध्यान देना हो कि फिशेज को आप डिस्टर्ब ज़्यादा ना करें। अगर ज़्यादा आप फिश को डिस्टर्ब करिएगा तो फिशेज एग्रेसिव हो जाएंगे और वो इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, जिसके वजह से फिशेज को चोट भी लग सकता है। तो एज अ फिश कीपर हम लोगों को फिशेज को ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे मैं फिशेज को, आप देख सकते हैं कि मैं फिशेस को कैसे मैं धर रहा हूँ बहुत ही अच्छे से। आप जब तक कंफर्टेबल ना हो तब तक फिशेस को डिस्टर्ब ना करें। तो अच्छे तरीके से कंफर्टेबल होने के बाद आपको उसको माउथ को और उसको हेड को, एक उसको बैक को अच्छे से प्रेस करके रखना है ताकि वो जंप ना कर सके। अब मैं क्या करूँगा, आप मेरे देख रहे हैं कि एक पाइप लेके मैं क्या कर रहा हूँ, अपने न्यू टैंक का वाटर एक पुराने वाले जो फिश जो है ना जिसमें रखा हुआ है उसमें मैं थोड़ा मिला रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि दोनों वाटर का जो टेम्परेचर मैच हो सके। आप फिशेस को प्लास्टिक में बैग में या अच्छे से टाइट कर करके मैं आप एक्वेरियम में डाल सकते हैं, जिससे भी टेम्परेचर मैच हो सकता है। लेकिन मेरे पास फ़िलहाल कैरी बैग नहीं था तो मैंने ऐसा किया। ऐसा करने से आपका एक बेनिफिट ये भी होगा कि वाटर जो है ना, जितने भी वाटर के आप बोल सकते हैं पैरामीटर जितने भी हो सकते हैं, क्लोरीन या फिर बोल सकते हैं कि क्लोरीन तो नहीं होगा, लेकिन जितने भी बैक्टीरिया या फिर जितने भी और भी बायोलॉजिकल बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो जितने भी रहेंगे वो अच्छे से आपके इस फिशेज के साथ मैच हो जाएंगे और फिशेज को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो स्टेप है ये भी एक तरह से सेकेंड स्टेप जो आपको बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है। और ये वाटर कितना डालें जब तक डबल ना हो जाए। आप अगर आपके पास थर्मोमीटर तो आप टेम्परेचर दोनों टैंक का चेक कर ले कि फिशेस के अंदर जो टेम्परेचर है वो कितने हैं और टैंक में कितना टेम्परेचर है, दोनों सेम हो जाएंगे तो आप फिशेस को बिना किसी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फिशेज़ का जो वाटर है वो अप्रॉक्स डबल हो चुका है। तो मैं अब आप फिशेज़ को अपने शिफ्ट करूँगा सेम वे जैसे मैं कैच किया था डालने के समय, उस टाइम मैं निकालने के समय उस टाइम मैं कैच कर रहा हूँ डालने के समय, ताकि फिशेज़ को किसी तरह प्रॉब्लम, देख सकते कितने रिलैक्स फिश मेरे, और अच्छे से आपको फिशेज़ को टैंक में रिलीज़ करना है जिससे आपके फिशेज़ को स्ट्रेस ना हो, वो भागे नहीं जिससे उसको चोट ना लगे, क्योंकि फिशेज़ के एक्वेरियम के अंदर आपके डेकोरेटिव आइटम है जिससे वो डरेंगे और डरने की वजह से क्या होगा वो उसमें चोट भी लगा सकते हैं अपने आप को। तो ये आपको बहुत ही जल्दी ध्यान देना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये। अब मैं सेम प्रोसेस करूँगा अपने सारे फिशेज़ के साथ, तो सारे फिशेज़ का भी आपको लुक दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं फिशेज़ का साइज़ बहुत ही बड़ा है। अभी ये फिशेज़ थोड़ा कलर अपना लूज़ किया क्योंकि मैं इसे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसको शिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो इसके वजह से थोड़ा स्ट्रेस में आ गया। मैं आपको एक लास्ट में क्लोज शॉट दिखाऊंगा जिसमें ये अपने पूरे कलर को एनहांस कर चुका था। तो आप सेम वे देख सकते हैं कैसे ये जंप करने भागने कोशिश कर रहा, तो सेम वे में आप इसको कैच कीजिए जैसे मैंने छोटे वाले फिशेज़ कैच किया है, जिससे फिशेज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें मैंने कैरी बैग इसलिए यूज़ किया था, मैं ट्राई किया था कि कैरी बैग में मैं इसको डाल के मैं टेम्परेचर एक्लिमेट करूँगा, क्योंकि वो फर्स्ट जो प्रोसेस था थोड़ा लेंदी प्रोसेस था, तो मैंने वो ट्राई किया, लेकिन मुझे फिर मैं देखा कि मेरा कैरी बैग में लीकेज हो रहा था। तो मैंने सेम जैसे मैंने स्मॉल फिशेस को शिफ्ट किया सेम उसी तरह का मैंने लास्ट में फिर फॉलो कर लिया था। को पेशेंस बहुत ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारा खेल जो पेशेंस का ही है, और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं फिश का साइज कितने बड़े हो चुके हैं। ये फिशेस मेरे पास फिलहाल 3 ईयर से है और मैं इसे अपने पूरे तरह से ध्यान रखता हूँ। ये मेरे फर्स्ट फिशेस है मेरे हॉबी का, तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से केयर करता हूँ। सो अभी आप लोग देख रहे हैं लाइट थोड़ा डल हो चुका है, थोड़ा लाइट हो चुका है इसका कलर, तो उसका कोई डरने का चीज़ नहीं है। ये जैसे ये अपने आप को इस टैंक में अपने आप को ये सेट कर लेगा तो ये अपने आप कलर वापस ये ले आएगा। तो चलिए आप नेक्स्ट फीचर्स को शिफ्ट करते हैं। ये जो फीचर्स है ये मेरे फीमेल फिशेस है, फीमेल पैरट फिश है, और इसका कलर हमेशा डार्क ही रहता है। मतलब ये शायद मैं मुझे नहीं पता, ये मुझे शॉपकीपर वाले ने दिया था, उन्होंने बोला था कि बहुत ही अच्छे फिश होने वाले हैं, मैंने उन्हीं का डिसीजन पे लिया था। और वाकई में ये फिशेस का कलर हमेशा ब्लड रेड रहता है। इसे सारे फिशेस क्या होते हैं कलर चले जाते हैं स्ट्रेस होने पर, लेकिन इसका अगर ये फिश स्ट्रेस में आया तो इसका कलर उतना नहीं जाता है, हल्का जाता है, और ये थोड़ा एग्रेसिव भी रहते हैं।
तो मैं अपने फिशेज में एक और फीमेल ऐड करूँगा जिससे मेरे फिशेज थोड़ा अच्छे लगे, क्योंकि 3 फिशेज देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं इसमें फ्यूचर में और एक फिश डालूँगा और येलो फिश भी डालूँगा। तो आप मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको मेरे जितने भी वीडियो आए यूट्यूब पर वो आपको अच्छे से मिलते रहे। देख सकते हैं कितना ये रेड कलर है। और तो सेम वे मैं इसको भी एक्लिमेट करूँगा जिस तरह से मैंने बाकी 2 फिश को एक्लिमेट किया। तो वीडियो में बने रहिए। और आप ये देख सकते हैं ये स्पॉन्ज फिल्टर को मैं भी डाल रहा हूँ। इस स्पॉन्ज फिल्टर को आपको क्लीन नहीं करना है, सेम टू सेम डाल देना है। इससे क्या होगा, आपके टैंक में जो बैक्टीरिया के लेवल है वो इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि ये स्पॉन्ज में बहुत ही ज़्यादा जो ब्लैक स्पॉन्ज होता है ना, कार्बन स्पॉन्ज, उसमें बहुत ज़्यादा ही बायोलॉजिकल बैक्टीरिया अपना कॉलोनी कॉलोनाइज करता है। इसीलिए आपको उसको क्लीन नहीं करता है, एज इट इज़ निकालना है और आपको डाल देना उसमें, जिससे आपको फिशेज कोई प्रॉब्लम ना हो बैक्टीरिया रिलेटेड। सो चलिए अब देखते हैं क्लॉज शॉट कैसा मेरे फिशेस लग रहे हैं। एक अच्छे से मैं आपको लुक दिखाता हूँ। ये तो मैं इवनिंग में, ये मैं मॉर्निंग में शूट किया था वीडियो, तो मैं आपको इवनिंग में दिखाता हूँ लाइट ऑन करके कैसे मेरे फिशेस लग रहे हैं। वाओ, इट लुक सो अमेजिंग। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपने फिश को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया, उसके अच्छे तरीके से मैंने केयर किया, अच्छे से शिफ्टिंग किया। तो आप इन सभी पॉइंट को अगर आप सही से ध्यान रखें तो आपके फिश के भी कलर इसी तरह एनहेंस हो जाएंगे। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, मैं फिर से मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए वंदे मातरम।